अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फक्ज़रा ओकेली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 26वां रोजा और बहुत अच्छा जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। कल भी मैं नहीं सोई, जिसे मैं वो उठी हूँ सुबह को, जैसे ही मैं 6:30 बजे गई हूँ, इतनी 2 घंटे नीट किया ऑलमोस्ट आई थिंक। सो उसके बाद जो है फिर मैं नहीं सोई हूँ उतना, एंड आई मीन उसके बाद फिर इफ्तार के बाद थोड़ा सा मैं सोई थी। उसके बाद फिर जो है मैं सुबह सहरी में मैं 3 बजे तक आई थिंक सो गई थी, 3:30 बजे तक मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी, सहरी की फीनी खाई थी। नहीं हो रहा था, मैं खाऊं पर मुझे खाना था उस वजह से, और मैंने जल्दी रोज़ा रख लिया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट किया, मैंने समझा लाइक इन 4:48 पे अजान आएगी, तो मैं 4:46 पे उठी थी एंड रोज़ा रखने के लिए, बट 4:57 पे ही अजान बंद होता, रोज़ा बंद होता है। रोज़ा रख लिया एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। आज है 26वां रोज़ा और आई थिंक 4 या 3 रोज़ा रखे हैं, ठीक है। नमाज वगैरह पढ़ लिया, एवरीथिंग इज़ डन। मैं थोड़ा सा गुराशी पढ़ती हूँ एंड या टू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली नियर प्रेयर्स एंड टू ऑल्सो रिमेंबर फिलिस्तीन गज़ा कश्मीर एंड यमन नियर प्रेयर्स, राइट। कल बड़ा रोज़ा है और आज पता नहीं क्या क्या होने के। सो आज थोड़ा सा मैंने कहा कुछ काम नहीं करती हूँ ज़्यादा सा, थोड़ा सा चिल रही थी, थोड़ा सा आराम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, और एडिटिंग वगैरह मैंने कंप्लीट कर ली है, बस पोस्ट करनी है और जो भी काम करने हैं। स्किन केयर करनी है बिकॉज ईद आने वाली है, सो स्किन केयर करनी चाहिए आपको, आपका चेहरा जो है ईद पर अच्छा लगना चाहिए, साफ सुंदर सुशील नहीं जो भी होगा, अच्छा अच्छी स्किन दिखनी चाहिए आपकी ईद के दिन। सो वो स्किन केयर भी करने हैं मुझे एंड जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो यही है। लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपडेट आप मिस ना कर पाओ, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई हैव 3 इंस्टाग्राम अकाउंट्स, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो गो एंड फॉलो मी देयर। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिट मी ऑन स्नैपचैट। अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है ना, इंशाल्लाह। तो भैया फिर हम क्या करेंगे इसमें, हम शुगर डालेंगे। अब पहले हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है ना। इज गोइंग वाला रोज़ा, ठीक है ना। और जो है डांस वगैरह पढ़ लिया, शेड्यूल बना लिया, तो चीज़ें बनेंगी आज, ठीक है। सो या कल है बड़ा रोज़ा, सुबह में नफल वगैरह पढ़ने होंगे आज, शेड्यूल बनाने पढ़ने पर शेड्यूल में ऑल सब सत्ताईसवीं रात है तो उसके लिए सेवियाँ बनी है, ठीक है ना। ये बटर बन रहा है इसका, ये है बटर, इतने हैं थोड़े हैं तो गला ही, ये थोड़े वाली यार मिर्च जब इसके डाल देती हूँ। जल्दी हम फारग हो गए, मेरा काम शाम हो गया है और एवरीथिंग इज डन। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाता है फिर उठते हैं थोड़ी देर में, बट विल सी अबाउट इट। अगर नींद आती है तो फिर सोएंगे, अगर नहीं आती तो नहीं सोएंगे। और मुझे जो काम भी है वो भी करना है, मैं ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया मेरा, तो आज मैं थोड़ा सा फ्री हुई। अब ये पकौड़े शकौड़े बन रहे हैं और जो है रोल वगैरह भी निकाल दिए हैं और कबाब बनेंगे आज, हम सिंपल तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और कल है बड़ा दिन, बड़ा रोज़ा, 27वां रोज़ा है। सो इसमें हम सबके लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है ना, डेरा दुआ कीजिएगा, खूब बात दे दीजिएगा, सब गलती आगे थोड़ी नहीं बने। मेरी बहन ने जो साफ़ किया था आपको नज़र आ रहा है कैसा अच्छा साफ किया है इसने, तो अब मैं इसको साफ़ करूँगी, ठीक है ना। ये देखो वेली बैठी थी, मैंने कहा कर लूँ, ये डन हो गया जी, मैंने साफ़ कर लिया है। और जो है थोड़ी सी टीवी भी मैंने साफ़ कर लिया, जो भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा गंदा, जो कि मेरी बहन ने सही से नहीं किया है, वो मैं सही से कर रही हूँ, ठीक है। मजीद ही बहुत अच्छा मैंने किया है साफ, इससे बेहतर इससे पता नहीं क्या क्या था, बट है यहाँ पे जो है पकौड़े शकौड़े बन रहे हैं, रोल वगैरह बन गए हैं, पकौड़े बन गए हैं।
इससे अच्छा आप मेरे आलू वाले बना लेते हैं। ये बहुत है और इसमें नमक ज़्यादा हुआ ना, फिर बताऊँगी। सो ये सारे इतना अच्छे से मैंने साफ किया है ना, इतना अच्छा तुम्हारे का तुम्हारा फ्यूचर दिख रहा होगा। मैंने साफ किया, इसने पता नहीं क्या अजीब वो गरीब लगा, सारे शीशा शहर वगैरह आ गए थे, पता नहीं इसको साफ नहीं करना था। जो भी जितने थे मैंने टीवी वगैरह जो भी पास में जो भी साइड में जो सामान था मुझे लगा था इसमें ज़रूरत है, तो मैंने वो भी साफ़ कर लिया। अरे पता नहीं अजीब तरीके से किया है, मैंने तो कर लिया सही है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सवा 9 बज रहे आई थिंक। तो खैर अभी मेरी कज़न वगैरह आई है, तो जो हमने टेलर को हमने कपड़े दिए थे ईद के वो सिल गए हैं। सो अभी हम जा रहे हैं उनके पास, तो मैं देखती हूँ कैसे बनाए कैसे उसको लेकर आती हूँ। ईद का जोड़ा फाइनली अगर होगा मैं आई होप तो मुझे अच्छा लगे, पसंद आ जाए और सही, ठीक है ना। सो खैर वो देखते हैं और अभी चलते हैं टेलर के पास। ईद का जोड़ा मेरा किया फिलहाल शॉपिंग मेरे पास है। हाँ ईद ईद शॉपिंग डन हो गई है मेरी, अगर ये सही से आ गया तो। सो या मिलती हूँ आपसे वहाँ जाके फाइनल। तो आपको भैया ईद के दिन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो वो मैं इंस्टाग्राम में भी मैं ब्लॉग भी बनाऊँगी ओबियसली, और इंस्टाग्राम में भी देखना मैं भी वॉच वगैरह करूँगी। सो मैं चेक आउट मैं इंस्टाग्राम, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी मैं जल्दी बहुत देर हो रही है, उसके बाद फिर डिनर भी करना है, कल बड़ा रोज़ा है। वहाँ से आके फिर जो है नफल वगैरह भी पढ़ने होंगे, सो या वो भी करते हैं। सो फिलहाल जल्दी से आ जाए डिनर करें, और डिनर के बाद जो है शाह के बाद नफर फिर खूब इबादत करें सहरी तक, उसके बाद फिर जो है रोज़ा रख के सो जाए नमाज पढ़ के। अभी जा रहे हैं टेलर के पास, मैं एक छूट तो करती हूँ यहाँ पे, एक लिए सो गए अभी जा रहे हैं।